वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोगों ने अभी तक जेम्स के, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एमसीक्यू भी कर लिए और एमएसक्यू भी कर लिए। आज बारी है नेट की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेट में हम जानते हैं कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो दो नंबर के होते हैं, तो ये सॉलिड 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। और मेरे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर चुके हैं एमसीक्यू और एमएसक्यू किस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके आ सकता है। बट आपके ये जो 20 क्वेश्चंस हैं नेट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं आप तो आप पूरा का पूरा 30 नंबर गेन कर सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कहता है कि द वेट परसेंटेज करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ कॉपर इन चालकोपाइराइट CuFeS2 एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर पाइराइट से दिया गया है। तो इसे वेट परसेंटेज कॉपर का क्या होगा, ये बहुत सिंपल सा होता है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता। आपको कॉपर की वैल्यू दी गई है 63.55, Fe की वैल्यू दी गई है 55.85, उसके बाद आपको दिया गया है सल्फ़र, ये आपका है 32.05। ये वेट परसेंट मतलब मॉलिक्यूलर, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जो लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, वेट परसेंटेज ऑफ कॉपर इन चालको पायराइट FeS2 इज इक्वल टू, ये आपका जो आपका एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इंटू मोल्स, ये जितने भी मोल्स यहाँ पे मौजूद हो, मोल्स या फिर एटॉमिक नंबर, डिवाइडेड बाय आपका वेट परसेंटेज ऑफ जो भी आपका वेट होगा, वेट ऑफ CuFeS2। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एटॉमिक वेट तो आपका यहाँ पे आपको यह देख दिया गया 63.55 इंटू यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं कॉपर में, ये 1 है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, Cu इसके इसकी सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 63.55 इंटू 1 प्लस ये Fe आपका 55.85 और इसके मॉलिक्यूल कितने 1 है, प्लस उसके बाद आपका सल्फर का है 32.07 इंटू 2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 63.55, उसके बाद ये आपको सॉल्व करने, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ, ये आता है 183.54 इंटू 100, क्योंकि हमको वेट परसेंटेज निकालना है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 0.3462 इंटू 100, और इसको फिर आप करते हैं तो ये आ गया 34.62% में आकर ये आपकी वैल्यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पे जब आंसर आप लिखेंगे वो लिखेंगे 34.62। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया है KLSI3O8 का एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने 5 कॉलम बनाए हैं, यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स जो आए हुए हैं फॉर्मूले में वो लिखे हैं, जैसे पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन कितनी कितनी बार आया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक एक बार आया है, सिलिकॉन 3 बार आया है और ऑक्सीजन का क्वांटिटी यहाँ पे 8 है। फिर उसके बाद एटॉमिक वेट का हम लिखते हैं, अगर आपको एटॉमिक वेट नहीं मालूम है तो आप पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट कर सकते हैं एटॉमिक वेट लिखने की। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है हर एक मॉलिक्यूल का कितना है। उसके बाद आपको वेट परसेंटेज जो निकालना है वो क्या करते हैं, इस वैल्यूज़ को इस वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो आपको उस सारे के पर्टिकुलर वेट परसेंटेज निकल आएगा। तो इस तरह मैंने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको अगर इन फ्यूचर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एन एम्फीबोल मिनरल इज दिस मच, वेयर ABCNT आर कैटायन साइट विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर एज स्टेटेड बिलो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, सी और टी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे हमको एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा कितना शेयर कर सकता है उसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में बतानी है। आपको अच्छे से मालूम है कि जो एल्युमिनियम होता है वो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शेयर करता है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रो में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये सी में भी जा सकता है और टी में भी जा सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 6 वैल्यू लेता है तो वो सी में हो सकता है, अगर वो 4 वैल्यू लेता है तो वो टी में हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यूज़ है या तो वो सी में आएगा या टी में आएगा, या तो C5 में आएगा या T8 में आएगा। और जैसे जैसे आपको मालूम है कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो होते हैं वो 8 साइट शेयर करते हैं, ये आप दाना की बुक में देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि
ये 8 साइड शेयर करते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये जब 8 साइड शेयर करेगा तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन ऑलरेडी 6.2 साइट ले चुका है, तो टोटल उसके पास 8 साइट थी। तो अब यहाँ पे अगर सिलिकॉन ने 6.28 साइट ले ली है और टोटल 8 साइट होती है, तो एल्युमिनियम के लिए क्या साइट बचती है इस लोकेशन पे, तो 8-6.2 बचती है, इसका मतलब 1.8 साइट एल्युमिनियम के लिए बचती है। अब यहाँ पे ये एल्युमिनियम की जो साइट हुई यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रा साइट हो गई यहाँ पे। अभी हमको अब आपको पता है कि जो टोटल साइट होगी, टोटल साइट ऑफ एल्युमिनियम जो होगी वो टेट्राहेड्रा साइट प्लस ऑक्टाहेड्रा साइट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एल्युमिनियम की टोटल साइट कितनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 इज इक्वल टू टेट्राहेड्रा साइट, मतलब हमारी 1.8 निकाल चुके हैं और ऑक्टा निकालना है हमको, तो इसका मतलब ऑक्टा की जो पोजीशन होगी वो होगी 3-1.8 इज इक्वल टू 1.2, तो आपका आंसर क्या होगा 1.2 होगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो कि अगर आप दाना की बुक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई बहुत टफ सा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्ले विद द वर्ड्स हैं यहाँ पे, उससे करना है। चलिए तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्ट्रक्चर जियोलॉजी पे, जहाँ पे हमको एस की वैल्यू निकालनी है। आपको सारे नोटेशन पता है कि नेट स्लिप दिया गया है, स्ट्राइक स्लिप दिया गया है और डिप स्लिप दिया गया है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे आपको ये 100 वैल्यूज दी गई, 930 दी गई है, हमें ये एस की वैल्यू निकालनी है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए बहुत सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये 90 डिग्री दिया गया, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है, और जो एंगल हम बात कर रहे हैं उसके सामने हमेशा लंब होता है, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डी। तो हमें डी की वैल्यू नहीं निकालनी, एस की वैल्यू निकालनी। तो एस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, तो बेस का फॉर्मूला हम कॉस 30 का लगाएंगे। कॉस 30 इज इक्वल टू आपका आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा एस है, हाइपोटेन्यूज हमारा 100 हो गया। तो एस इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू अगर मैंने पुराने लेक्चर में देखा तो होगा, तो मैंने बताया था कि कॉस 30 किस तरीके से निकालते हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हो गया 50 × √3। तो चाहे आप ऐसे ही लिख दी, नहीं आपको सेकंड प्लेस तो निकालना है, तो ये हो गया 1.732। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 × 5 × 10 का 0 हासिल है, 15 × 16 = 6 हासिल है, 33 हासिल है, ये आपका 8 आ गया, ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, ये आ गया आपका, आपको 2 डिसिमल प्लेसेस से निकालना था, तो इसका आंसर हो गया 86.60। ये बहुत सिंपल था, इसमें आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डी की वैल्यू निकालना हो तो डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डी 100 इज इक्वल टू साइन 30 लगा के आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। इवन अगर आप ये फॉर्मूला ना लगाएं तो आपको ये पता चल गया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा आपको बोलते चला हूँ कि आपने अभी तक जितनी पढ़ाई की है वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने जो पढ़ चुके हैं वो आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। अपने बॉक्स को हमेशा ओपन रखिए, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। तो जैसे कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्ट्रक्चर जियोलॉजी पे रिलेटेड है, जिसमें हमको टू थिकनेस निकालनी है। टू थिकनेस में अभी यहाँ पे आपको ये टी दिया गया है, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके कुछ इस तरीके से रख लिया है ताकि हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाए और हमको सॉल्व करने में आसानी रहे, और ये हमारा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो टू थिकनेस होती है वो हॉरिजॉन्टल थिकनेस इंटू साइन एंगल ऑफ डिप के बराबर होती है। तो हमको यहाँ पे अगर हम निकालना हो तो बहुत आसान से हम साइन 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 जैसे कि हम बताते चले आते हैं, साइन 30 आपका टी अपॉन 20 हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू 20 × sin 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, 1/2 होती है, तो 1/2 हो गया, तो ये हमारा 10 वैल्यूज आ गई, 10 इन मीटर में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं ना, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाते हैं तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू मिनरोलॉजी, ये मिनरोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको मिलर इंडिसेस दिए गए हैं और वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट पैरामीटर की बात करें। वेस्ट पैरामीटर क्या होता है, ये इनवर्ट ऑफ मिलर इंडिसेस होता है। इसका क्या मतलब होता है, अगर हमारा मिलर इंडिसेस यहाँ पे 3-6 है तो हमारा वेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 6 आएगा, तो ये हो गया आपका 6/3, ये हो गया 6/2 और ये हो गया 6/6, तो ये आपको वैल्यू दो गया 2, 3 और 1, ये आपको वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करना है कि अगर वेस्ट पैरामीटर के इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे ये जो एक्स ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2:3:1, इसका मतलब हमारा जो एक्स ए इज इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट टू 2 है, एक्स बी वाई बी इज इक्विवेलेंट टू 3 है और जेड सी इज इक्विवेलेंट टू 1 है। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ सेम फेसेस, इसमें आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स आपका क्या हो गया, यहाँ पे एक्स आपका 2 हो गया। बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, बस आप अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिलर ब्रेविस इंडेसेस के बारे में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 वैल्यूज़ दी गई है, 4 नोटेशन दिया गया है। ये 4 नोटेशन जो हमारा है ये क्या कहते हैं, हेक्सागोनल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। और इसकी खासियत क्या होती है कि जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ होती हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 bar + 1 + h इज इक्वल टू हमेशा 0 होगा। अब 4 बार का मतलब होता है माइनस, बार का मतलब 1, बार का मतलब होता है माइनस 1। तो 4 बार का मतलब हुआ -4 + 1 + h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका -3 + h इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आपके आ गई -3 + 3। इसी तरीके से है, ये हेक्सागोनल नोटेशन है जिसमें फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो होती हैं वो इक्वल टू सम, उनका जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा ओशानिक बेसिन जो कि आपको आइसोस्टेसिस या सी फ्लोर स्प्रेडिंग से रिलेटेड हो वो है, प्लस फिजिक्स इसमें आपको लगानी है, कोई टफ का नहीं है। इसमें आप ये समझिए कि ये जो आपको दिया गया है कि जब 4 मिलियन ओल्ड होगा तो वो कहाँ पे होगा, जब वो इसमें सो आइडियली एज 0 मिलियन ईयर ओल्ड, मिलियन ईयर ओल्ड ओशानिक रिज शुड बी यहाँ पे 0 पे वो होगा, 0 किलोमीटर पे होगा, और 40 मिलियन ईयर के बाद वो 40 किलोमीटर पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा टी जो टाइमिंग जो है 40 मिलियन ईयर्स है और जो डिस्टेंस है वो हमारे 40 किलोमीटर है। तो आपको जो वेलोसिटी निकालना हो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं, 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 मिलियन ईयर। तो 40 मिलियन इसको सिंपली आप सॉल्व कर लिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, ये थोड़े थोड़े मैथमेटिकली अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो 40 इंटू ये आपका किलोमीटर को मीटर में बदल के सेंटीमीटर में कर दिए, इंटू 10 इंटू 2 ये आपका सेंटीमीटर हो गया, और मिलियन ईयर के लिए आपको पता है क्या करना है, इंटू 10^6 करनी रहती है इसको आपको, तो ये आपका ईयर में आ गया 4, तो ये आपका 10 हो गया, तो ये आपका 10^6 डिवाइडेड बाय 10^6, तो 1 सेंटीमीटर पर ईयर आ गया। यहाँ पे आपको क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। तो एक तरफ जो मूव कर रहा है तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है, अगर रिलेटिव मूवमेंट की बात करेगा कि ये जो दो ब्लॉक हैं अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी आपकी प्लस में 1 सेंटीमीटर पर ईयर आएगी और इसकी वेलोसिटी भी 1 सेंटीमीटर पर ईयर आएगी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर के हिसाब से अगर ये a है आपका तो ये माइनस a होगा, तो जब एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो a माइनस ऑफ माइनस a हो जाएगा, तो a प्लस a हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 2a हो जाएगी अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें। जैसा कि ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसमें से ये पूछा गया था कि द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ बिटवीन प्लेट a एंड b, ये आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको बता दें। अगर सिर्फ आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा गया तो एक प्लेट मूव कर रही है सिर्फ उसकी वेलोसिटी बता दिए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बताना है तो दोनों प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनका आपको सम करके निकालना है विद वेक्टर समेशन, जो वेक्टर समेशन होता उससे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा यहाँ पे एक्वीफर की बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको जैसा कि पता है कि जो डार्सी लॉ होता है वो क्यू इज इक्वल टू के ए एच वन माइनस एच टू, इसको डेल्टा एच अपॉन एल बी लिखते हैं, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। इसमें यहाँ पे आपका क्यू क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक रेट होता है जो फ्लो होता है, के हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है मीटर पर सेकेंड में, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये प्रिज्मेटर हाइट की जो ऑलरेडी मैंने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एल या एल आपको बता दिया, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। अब आपको दिया क्या गया, ये देखिए आपको सब कुछ दे दिया गया, आपको कुछ नहीं करना है। यह आपका एरिया दिया गया जो कि मैंने यहां पे लिख रखा है, हमको क्या निकालना है, यहां पे आपको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ये निकालना है, हमको एरिया हमको दिया गया है, फ्लो भी दिया गया है और डेल्टा एच भी दिया गया है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम रखते हैं तो हमको के निकालना है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू ए डेल्टा एच अपॉन एल। तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या होगी, आपको पता है क्यू हमारा होगा 10 m³/s और डिवाइडेड बाई ये आपका 1000 × 0.01, इसको आप सॉल्व कर लिए आराम से, ये आपकी वैल्यूज आपको दे देगा। मैंने कुछ खास नहीं किया है, अब मैंने सिर्फ सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया। जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपने आप की हेल्प करिए, थोड़े थोड़े फॉर्मूले लगा लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिए, आपका इसमें 30 में से 30 नंबर कहीं
नहीं गया, 30 out of 30 आप आराम से गेन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें फेस डायग्राम है। जैसे मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेस्ड हैं, यहाँ पे भी आपको सिर्फ फेस का फॉर्मूला लगाना है, P+F = C+2। यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा अगर यहाँ पे सिस्टम एग्री करता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मिनोलॉजी फेज रूल द नंबर ऑफ मिनरल दैट कैन को एग्जिट एट इक्विलिब्रियम इन आर 8 कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट आपको 8 दिया गया, तो सी की वैल्यू आपको 8 हो गई। विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको F = 2 दे दिए गए। तो फेज निकालना है तो P = क्या हो जाएगा आपका 8+2 - F = 2, तो आपका P भी आपका 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप चुपचाप 8 लिख सकते हैं, कोई वो नहीं ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का क्या है, ये सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। इसका पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपकी बल्क डेंसिटी होती है उसको आप पार्टिकल डेंसिटी, जिसको हम सॉलिड डेंसिटी भी कहते हैं, उससे डिवाइड करते हैं और -1 करके इनको 100 कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आराम से हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2.3 / 2.7 × 100। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद जो वैल्यूज आती है वही आपकी पोरोसिटी होती है। तो इसमें भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपको आता है 0.185 × 100। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये आता है 1.48148 × 100। अगर इसको हम परसेंटेज में हटाते हैं तो 14.81। हमको कितने प्लेस तक निकालना है ये देखिए, 2 प्लेस तक निकालना है तो 2 प्लेस तक हो गई, ये हमारी हो गई, ये हमारा पोरोसिटी परसेंटेज में निकल आया। तो इसी तरीके के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये लेक्चर अभी तक के लिए इतना ही, इसके 10 बजे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे और वो भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।